हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन के बारे में बताया था कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। आज इस सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ कॉस्ट। ये तीन तरह की इलास्टिसिटी को डिस्कस करेंगे। इनकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स में और इसको आप डीपली पढ़ लें। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मतलब क्या हो कि जब यहाँ पर प्राइस प्राइस तो सभी में होगा, ये तो फिक्स है, ठीक है, वो डिमांडेड क्वांटिटी और ये जो प्राइस है वो तो सभी में फिक्स होगा। अब प्राइस किस केस में हम चलेंगे, तो देखिए लिखा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मतलब इट इज डिफाइंडेड एज द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन सप्लाई ऑफ कमोडिटी टू अ गिवन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब पहले के फॉर्मूले में क्या था, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में परसेंटेज चेंज इन डिमांडेड क्वांटिटी, अब की बार आ गया परसेंटेज चेंज इन सप्लाई ऑफ कमोडिटी या सप्लाइड क्वांटिटी टू टू गिवन चेंज इन प्राइस व्हेन अदर डिटरमिनेंट्स केप्ट बीइंग कांस्टेंट। तो इसका फॉर्मूला कितना होता है, पी एक्स अपॉन डी एक्स अपॉन डी पी। मतलब ये हो गया, यहाँ पर ये पॉजिटिव साइन आया, इसका मतलब ये है कि इलास्टिसिटी ऑफ जो सप्लाई है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो प्राइस के बढ़ने पर बढ़ेगी और प्राइस के घटने पर घटेगी। तो लिखा बोथ प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड गोज अप एंड डाउन टुगेदर। भाई प्राइस अगर आप बढ़ाओगे, प्राइस अगर बढ़ता है तो मार्केट में आप सप्लाई भी बढ़ा दोगे भाई, क्योंकि अधिक से अधिक प्रॉफिट आपको अर्न करना है। तो यहाँ पर ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की बात। फिर सेकंड आता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इट इज डिफाइंडेड एज द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन डिमांडेड कमोडिटी। अब देखिए इनकम इलास्टिसिटी, और यहाँ पर प्राइस था और यहाँ पर क्या आया, इनकम। तो इनकम डिमांड, तो देखिए यहाँ वर्ड क्या लिख दिया गया, डिमांडेड क्वांटिटी, तो लिखेंगे इट इज डिफाइंड एट द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन डिमांडेड कमोडिटी या क्वांटिटी, डिमांडेड क्वांटिटी ऑफ गुड्स टू अ गिवन परसेंटेज चेंज इन द इनकम। देखिए इसी में सारी चीज लिखी, प्राइस और सप्लाई के बारे में बात हुई, इनकम और डिमांड के बारे में बात हुई। और इसका फॉर्मूला आया एन ईटा आई, आई मतलब इनकम, आई अपॉन एस डी एक्स अपॉन डी आई। और ये भी, ये आइदर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही केसेस में हो सकता है, ये निगेटिव हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि वो गुड्स कैसा, वो नॉर्मल गुड्स है कि इंफीरियर गुड्स है, ठीक है। तो इसकी फर्दर आप स्टडी कर लीजिएगा, ये एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में केवल एक ओवरव्यू है। और एक आता है आपका इलास्टिसिटी ऑफ कॉस्ट। इलास्टिसिटी ऑफ कॉस्ट के बारे में बात करें तो अब हम कॉस्ट, इट इज द डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन टोटल कॉस्ट टू आर गिवन परसेंटेज चेंज इन आउटपुट। तो ये आपको फॉर्मूला याद कर लेना है, परसेंटेज चेंज इन टोटल कॉस्ट टू, इट इज अ रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन टोटल कॉस्ट टू गिवन परसेंटेज चेंज इन आउटपुट। तो फॉर्मूला क्या है, एक्स अपॉन सी डी सी अपॉन डी एक्स। तो आपको ये और ये तीन फॉर्मूले हैं जो आपको याद कर लेने हैं। सबसे मोस्ट फॉर्मूला तो पहला वाला था जो कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर क्वेश्चंस, उसी पर क्वेश्चंस मिलेंगे मोस्ट प्रोबेबली। और आई होप ये डेफिनेशंस आपको क्लियर हो गई होंगी। तो इसी में हम सबसे ज्यादा जो डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन मिलेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के, और फिर क्वेश्चन मिलेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। तो आपको उनको बहुत ही केयरफुली ऑब्जर्व करना होगा, बहुत ही केयरफुली उन्हें समझना होगा कि उसमें क्या इंपॉर्टेंट बात है और कैसे डिफरेंशिएशन यूज हो रहा है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसने नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।